नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने एक फ्लाईओवर पर सुरक्षा के लिए लगे बैरियरों को तोड़ दिया। समाचार एजेंसी NI ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान फ्लाईओवर के किनारों पर लगी शीट को तोड़ रहे हैं। वहीं फ्लाईओवर के नीचे कई लोग खड़े हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। किसान संगठनों की अपील पर पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों से सैकड़ों किसानों ने आज दिल्ली की ओर कूच किया है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कई बाधाएं लगाई हैं। किसान उन्हें तोड़ने की कोशिश करते नजर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। किसानों ने जब इस बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसान इससे बचने के लिए पास के खेतों में दाखिल होते दिखाई दिए। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, प्रदर्शन से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी, इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इस पर जज ने पूछा, किसान तो सिर्फ आपके रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आप इनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं? हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि विरोध प्रदर्शन के लिए एक निश्चित जगह की पहचान करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर समस्या का समाधान करने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकता है। इस आंदोलन में देश भर के कई किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन अभी इससे दूर है। इस बीच टिकैत ने कहा है कि हमारी नजर बनी हुई है, सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा साबित हुई क्योंकि सरकार का रुख अड़ियल है। हम आंदोलन का हिस्सा अभी तक तो नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह आंदोलन किसानों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इसका मकसद राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाना है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देखो, किसानों ने चुनाव के नजदीक आकर आंदोलन किया है, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इसमें विपक्षी दलों की राजनीति है। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सरकार मानती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं? देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय ना मांगें तो कहां जाएं? उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिप्रिय है तो फिर किसान के राह में कीलें और कटीले ताने क्यों? क्या मोदी सरकार को देश की मिट्टी का दर्द और आत्महत्या करते अन्नदाताओं की वेदना सुनाई नहीं देती है? केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अधिकांश मामलों पर सहमति बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत के लिए, उसके विकल्प किसान भी दे सकते हैं और मैं भी दे सकता हूं। एक विकल्प से हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बता दें, किसान नेताओं की कल चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से बातचीत हुई थी। इस बातचीत में अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। किसानों को रोकने के लिए जैसे सरकार ने इंतजाम किए हैं और आंसू गैस के गोले दाग रही है, उसके बाद लोगों को जयंत चौधरी याद आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने तंज कसते हुए लिखा है, वह दिल जीत लिया। बता दें, जब PM मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था तो जयंत चौधरी ने लिखा था, दिल जीत लिया। वहीं कुछ लोग किसानों के लिए लगाई गई कीलें और बैरिकेड को ट्वीट कर लिख रहे हैं, इसमें चौधरी चरण सिंह की झलक किसको दिख रही है? वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते तो किसानों की ये दुर्दशा देखकर आज भारत रत्न लौटा देते। किसानों का दिल्ली आने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशानी में डालने का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने सीजीआई से कहा कि इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सीजीआई से कहा कि कोर्ट में वकीलों के न आने पर भी कोई विपरीत आदेश पारित न किए जाए। वहीं सीजीआई ने इस चिट्ठी के जवाब में कहा है कि अगर ट्रैफिक जाम से किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताएं। किसानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के प्रति सरकार का यही रवैया रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इस आंदोलन से जुड़ने में मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही मोदी सरकार ने हटकर रवैया अपनाया है और किसानों की जायज मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे दुखी किसान आज फिर से किसान आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी के बाद अशोक चव्हाण तीसरे नंबर के नेता हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर के दो दिन के दौरे पर हैं। वो अबूधाबी में एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज एहलन मोदी नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एहलन अरबी का शब्द है जिसका मतलब स्वागत होता है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार यानी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सोनिया गांधी में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगी या राजस्थान से। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि रायबरेली से लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी की जगह कौन लड़ेगा। माना जा रहा है कि उनकी जगह पर प्रियंका गांधी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीट गांधी खानदान की विरासत वाली रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गुजरातियों पर दी गई एक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। हरेश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन एससी ने यह फैसला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 5 साल के कार्यकाल को बांटने के लिए एक नए फॉर्मूले पर चर्चा की है। बता दें, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए अपने दम पर सरकार बनाने से तो रही, जिससे ये अस्पष्ट हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा। पीएमएलएन और पीपीपी ने अपनी पहली बैठक के दौरान आधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के विचार पर चर्चा की। सूत्र ने कहा, यह प्रस्तावित किया गया है कि पीएमएलएन का एक उम्मीदवार 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा और 2 साल के लिए पीपीपी का नेता रहेगा। उन्होंने कहा, यह अभी तय नहीं हुआ है कि पहला कार्यकाल किसे मिलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।